आदरणीय मंच पर बैठे सभी धर्मों के धर्माचार्यों को हृदय से वंदन। उपस्थित भाइयों बहनों, भारत की समृद्ध संत परंपरा में मानवीय मूल्यों के संवाहक क्रांतिकारी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्म जयंती महोत्सव हम सभी लोग यहां पर प्रारंभ रूप में मना रहे हैं। भारत वह भूमि है जिसने संपूर्ण विश्व को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, और जिसके लिए सभी ऋषियों ने, मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, अवतारों ने प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी विश्व के लोग प्राणी सभी सुखी रहें और सभी निरोग रहें। भगवान महावीर स्वामी ने भी जब धर्म संघ की स्थापना की तो देवताओं ने प्रार्थना की कि सर्व जग के जीवों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए आप धर्म तीर्थ की प्रवर्तना करें। तो यह भारत की जो भूमि है वो सर्वधर्म सद्भाव की भूमि है, वो समन्वय की भूमि है, वो शांति की भूमि है। और आज पूरे विश्व में इस संदेश की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े विश्व को भगवान महावीर की अहिंसा, भगवान राम की मर्यादा, भगवान श्री कृष्ण का गीता का अमर संदेश, यीशु का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा, गुरु नानक का देव का सेवा भाव ही विश्व को शांति की राह दिखा सकता है। गुरुदेव आचार्य सुशील कुमार जी महाराज साहब कहा करते थे कि यह समन्वय की भूमि है, यहां से समन्वय का और सभी के उत्थान का संदेश जाता है। वो कहा करते थे कि विश्व समन्वय अनेकांत पथ, कि विश्व का जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी धर्म है, मत है, पंथ है, उन सभी का समन्वय होना चाहिए। विश्व समन्वय अनेकांत पथ, सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, सभी का उदय हो, सभी का उत्थान हो, सभी का कल्याण हो। सर्वोदय का हो प्रतिपलगान, मैत्री करुणा सब जीवों पर, मैत्री करुणा सब जीवों पर, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान, अहिंसा धर्म जग ज्योति महान। आज पूरे विश्व को इस समन्वय की, सद्भाव की, एकता की और शांति के इस संदेश की जरूरत है। और महर्षि दयानंद ने भी सभी धर्मों में जो अच्छाई है उसे ग्रहण किया और उसका साथ दिया, उसके लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। उनका जो समन्वय का, शांति का संदेश है, यह रुकना नहीं चाहिए। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले और प्यार का पैगाम चले, जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले, जब बात चल ही पड़ी तो सुबह चले और शाम चले। यह शताब्दी महोत्सव जो शुरू हो रहा है, 2 वर्ष तक सतत यह समन्वय का, एकता का, शांति का, विकास का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए, तभी लोगों में वह क्रांति जो जगेगी, जो महर्षि दयानंद जी ने उस समय आज से करीब 200 वर्ष पूर्व लोगों में जागृत की थी। आज उस चेतना को जागृत करने की बहुत ही जरूरत है। और इसी संदेश को लेकर के भारतीय सर्वधर्म संसद, जिसके सभी धर्मों के धर्माचार्य यहां पर मंच पर उपस्थित हैं, जहां भी देश में
अशांति का माहौल होता है, तनाव होता है, संघर्ष और टकराव होता है, वहां पर शांति का सद्भाव का संदेश लेकर के जाते। और आज भी जहां से गीता का अमर संदेश प्रसारित हुआ, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने जो अमन का, शांति का, सद्भाव का, एकता का, भारत को विश्व गुरु बनाने का और भारत के उत्थान का जो संदेश दिया है, वो सभी के लिए अनुकरणीय। मैं ज्यादा न कहते हुए सभी को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और विशेष रूप से आदरणीय संपूर्णानंद जी महाराज साहब को, जिन्होंने सभी धर्मों के धर्माचार्य को एकत्रित किया, उसमें भी हमारे वरिष्ठ संत गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब, योगी स्वामी रामदेव जी महाराज और अन्य पूजनीय संत वृंद, जिन्होंने यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने विचार रखे और सभी का मार्गदर्शन किया। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और महर्षि दयानंद के इस 200वीं जन्म शताब्दी महोत्सव पर विशेष रूप से उनके चरणों में हृदय से श्रद्धा सुमन भावांजलि विजयांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।